हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन आपका डिटरमिनेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मैट्रिक्स के लिए भी समझ लो क्या होता है माइनर। ठीक है, जैसे देखो माइनर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा। हाँ, हम लोग कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट सपोज़ करिए कोई डिटरमिनेंट है, कैसा है देखिए बढ़िया से ना। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा ले लिए। ठीक है, ये हम लिए हैं डिटरमिनेंट। हाँ, अब इसमें अगर आपको कोई बोले कि बताइए माइनर क्या होगा 4 का, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, कैसे लिखेंगे माइनर, अच्छे से देखिए। हाँ, माइनर ऑफ एलिमेंट, पहले तो देखिए माइनर किसी एलिमेंट का होता है, याद रखिएगा। हाँ, तो माइनर ऑफ एलिमेंट, हम मान लीजिए हम 4 का निकालना चाह रहे हैं माइनर, तो बहुत आसान है। अगर आपको 4 का निकालना है तो आप क्या कीजिए, 4 को देखिए, देख लीजिए 4 को, इसका रो और कॉलम को छिपा दीजिए, क्या बचेगा बताइए, बचेगा 1, 0, 6 और 8, यही बचेगा। ठीक है, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 0 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 8, ये क्या हो गया माइनर। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना आसान है लेकिन थोड़ा समझना है। इस माइनर को हम लोग ज़्यादा अच्छा क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम, नाम क्या लेंगे इसका, इसका नाम देंगे हम लोग, ये इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, M22 है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ रो 2 एंड कॉलम 2। ठीक है, यानी 4 का। ठीक है, अब आपसे हम डायरेक्ट पूछते हैं ना, इसी तरीके से आप बताइएगा हमको, हमको बताइए M31 कितना आएगा, बताइए तो M31, पहले एलिमेंट ढूंढो, एलिमेंट कौन सा है M31, 6, गुड। अब निकाल लो इसका वैल्यू, डायरेक्ट बता दो ना क्या आ जाएगा, छुपा लो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बोलो, नहीं वैल्यू बताइए ना क्या आएगा, वैल्यू बताइए डायरेक्ट, इतना टाइम 10 ही ना आएगा, इसको ऐसे ऐसे करके आप छिपा लिए, ये रो करो 5 × 10 हो गया है ना। ठीक है, चलो एक वैल्यू और बता दो, जल्दी जल्दी बताओ तब ना मज़ा आएगा, M23 का बता दो माइनर क्या आएगा, M23 एलिमेंट कौन सा है, 5, बताओ क्या आ गया, अब तक तो आ जाना चाहिए, इसका रो इसका कॉलम छिप गया, कितना आ गया, 4 - 6 कितना होता है बोलो, -2, क्या ये रो ये कॉलम छिप गया, 4 - 3 × 6, 4 - ठीक है, अच्छा 5 बोले छिपा था ना, ओहो तो 7 और 6 × 12, ठीक है, तो 7 - 12 कितना हो जाएगा, -5 है ना, -5, यस -5 आएगा। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप देखिए माइनर निकालना काफ़ी आसान है। अच्छा, माइनर में कोई साइन नहीं होता है, अब सुनो कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर देखिएगा बढ़िया से ना, कोफैक्टर मान लिया आप निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे कोफैक्टर को, वो हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे, A22 ए से डिनोट करेंगे, तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा तरीका बता रहे हैं, -1 का पावर, ठीक है, 2 + 2 जो यहाँ पे भी है वही दोनों को जोड़ देना है, और क्या M22, यानी M22 आपका अगर निकला हुआ, जैसे M22 आपका निकला हुआ था तो इसी का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1 का पावर, ये तो इवन आ रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा डायरेक्ट आपका M22। ठीक है, M22 कितना आया था, 8, समझे, तो ये होता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या होता है, माइनर इंटू करस्पोंडिंग साइन। अच्छा, ये देखो ये साइन ना आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप जैसे अभी हम लोग ये फॉर्मूला लिखे चाहे तो इसे निकाल लो। अच्छा, इन जनरल फार्मूला क्या होगा, ये भी लिख दे रहे हैं हम, इन जनरल फार्मूला इसका होगा AIJ, मान लो निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 का पावर, यहाँ पे i + j लगाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, (m, i, j) ये इसका फॉर्मूला हो गया, इन जनरल फार्मूला, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, दिस इज़ द
इन जनरल फार्मूला, मतलब जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर हम लोग को कहीं पे यूज़ करना होगा तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमारा ए आई जे निकल जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन का पावर आई प्लस जे और इंटू एम आई जे, ठीक है। अब हम एक और तरीका बता रहे हैं, जैसे देखो करस्पोंडिंग साइन अगर लेना है तो करस्पोंडिंग साइन तो आपको पता है क्या होता है, प्लस से शुरू होता है ना, प्लस फिर क्या होता है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस ही होता है, ठीक है। अब तुमको जैसे देखना है कि किसका निकालना था, तो अगर हमको निकालना था ए टू टू का, तो ए टू टू का पोजीशन क्या है, यही ना है टू टू, टू टू तो यही होता है, साइन तो इसका प्लस है तो प्लस में आंसर आया, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से मान लो निकालना पड़े हमको, क्या निकालना पड़े ए, ठीक है, थ्री वन निकालते हैं मान लो ए थ्री वन, तो डायरेक्ट या तो साइन देख लो ए थ्री वन क्या होता है, ये होता है साइन तो प्लस आपको पता है, ठीक है, तो हो गया इसका प्लस और डायरेक्ट लिख दीजिए एम थ्री वन, तो एम थ्री वन तो आप निकाले ही हैं, कितना आया था टेन, तो प्लस टेन आ गया, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। मान लो आपको निकालना है ए टू थ्री, ए टू थ्री, तो डायरेक्ट आप देख लेंगे टू थ्री का साइन क्या है, माइनस टू थ्री यही ना है, इसका माइनर माइनर टू थ्री कितना आया था, तो ये आपका आया था कितना माइनस फाइव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसे कार्य कर सकते हैं, या मान लो आप इसको ऐसे बनाते माइनस वन का पावर ले लेते और दोनों को जोड़ते, तो जोड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, आपको हम दिखा रहे हैं दो तीन पाँच होता है, तो जहाँ ये ऑड होगा, ये अगर क्या है ऑड तो माइनस में लेंगे, और दोनों को जोड़ने से इवन आएगा तो प्लस में लेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तब भी ऑड आएगा, तो माइनस एम टू थ्री तभी तो वही आएगा, तो या तो करस्पोंडिंग साइन से निकालो या डायरेक्ट देख करके निकालो, बात बराबर पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब तुमको हम बोल रहे हैं ना, जैसे मान लो किसी को निकालना पड़े बड़ा मैट्रिक्स में फाइव सिक्स, ए फाइव सिक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट आप देख लीजिए पाँच छः कितना होता है ग्यारह, कितना हो गया ग्यारह, ग्यारह का मतलब क्या है ऑड, तो डायरेक्ट माइनस में आएगा एम फाइव सिक्स, क्या जी, ठीक है। मान लो कहीं पर तुमको निकालना है ए एट टू, एट टू कितना है, सॉरी ए एट टू निकालना है, ए एट टू, तो ए एट टू प्लस में है तो क्या आएगा प्लस आएगा एट टू, क्योंकि ये देखना है जोड़ देखना है हमको इसका, ठीक है। इसका अगर आप सम देखेंगे, अगर ये इवन है डायरेक्ट प्लस में लिख दीजिए, ऑड है तो माइनस में लिख दीजिए, बात समझ में आ गया, तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको माइनर निकालना है और आप उसका कोफैक्टर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला याद रखो, जैसे मान लो आपको निकालना है डिटर्मिनांट वैल्यू, डिटर्मिनांट वैल्यू, तो किसी का भी डिटर्मिनांट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, आप कोई भी रो से निकाल सकते हैं। तो अगर आप R1 से निकालेंगे फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू आएगा याद रखिएगा A11 लीजिएगा, ठीक है, फिर ले लीजिएगा कैपिटल A में सेम सफिक्स A11, फिर क्या लीजिएगा A12 लीजिएगा, तो क्या ले लीजिएगा A12 प्लस A13 लीजिएगा, तो कैपिटल में भी क्या लेना पड़ेगा A13, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। कोई भी अगर मान लो तुम काम कर रहे हो C2 से, कॉलम 2 से, तो कॉलम टू में क्या शुरू होगा, कॉलम टू अगर लीजिएगा तो आपका शुरू होगा A12, यहाँ तो यहाँ पे भी ले लीजिएगा A12 प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट क्या आएगा कॉलम टू में A22 आएगा, तो यहाँ भी ले लीजिएगा कैपिटल A22, सेम सफिक्स लेना है, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा A23 आएगा ना, A12 22 और 32 आएगा, A32 तो क्या ले लीजिएगा A32, तो आपको सफिक्स सेम लेना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने का कितना आसान तरीका हो गया, नहीं कोई भी कॉलम कोई भी रो से करो, जो इसका सफिक्स वही इसका सफिक्स, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, अभी हम आपको बनाए हैं मॉडल सेट में, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे, तो आपको बस ये देखना है कि दोनों सेम सेम होना चाहिए, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें सब तो इजी इजी क्वेश्चन है 4.4 का, तो समझ में आ गया कैसे निकलेगा, है ना, तो हम एक बता देते हैं आपको 4.4 में से एक क्वेश्चन देख लीजिए, कोई सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक आपको दिया हुआ है, ठीक है, आगे हम लोग करेंगे तो और भी देखेंगे, जैसे मान लो किसको निकाल दिया जाए 5 3 यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट इवैल्यूएट डेल्टा, चलो 3 नंबर ही कर लेते हैं, क्या बोलो तो 3 नंबर क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है बोलो 5
थ्री एट टू ज़ीरो वन वन टू थ्री। चलो जल्दी निकालते हैं, ठीक है ना, जल्दी निकालते हैं, काम हो जाएगा। आइए निकालना शुरू कीजिए। एम वन वन निकालो, माइनर ऑफ वन वन, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। यही है तो फाइव तो एलिमेंट हुआ ना माइनर इसका, तो इसको छुपा लो। जीरो माइनस टू, माइनस टू आएगा, जीरो माइनस टू ना, ठीक है। चलो एम वन टू निकालो इसका, ठीक है, छिप गया। सिक्स माइनस टू कितना हो जाएगा, फोर। एम वन थ्री निकालो, ठीक है। हालांकि आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो सबका अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हमको कोई एक ठो चाहिए होता है, ठीक है। एम वन थ्री निकालो कितना हो जाएगा, एट का छिपा लेंगे तो फोर ना हो गया। अच्छा अब यहाँ से बोलो ए वन वन कितना आ जाएगा, ए वन वन डायरेक्ट देखो इवेन है जोड़ने से, तो डायरेक्ट क्या होगा एम वन वन के बराबर आएगा, कितना हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। फिर निकाल लो ए वन टू, ए वन टू कितना आ जाएगा, वन टू थ्री हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन टू कितना आया है माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। ए वन थ्री निकालिए, फिर से वन थ्री प्लस यानी इवेन हो रहा है तो क्या हो जाएगा एम वन थ्री के बराबर आ जाएगा, यानी क्या आया है फोर आया है, ठीक है, क्लियर है। अब बोलो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो आप किससे काम किए हैं बताइए, आप काम किए हैं फर्स्ट रो से ना, इसी से ना काम किए हैं, तो कुछ नहीं करना है। आपको क्या बोला था, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुना कर दीजिए, तो पाँच गुना माइनस दो, देखो पाँच गुना माइनस दो प्लस तीन गुना माइनस चार प्लस आठ गुना चार, वैल्यू निकालिए कितना आ जाएगा, माइनस दस माइनस बारह, ठीक है, माइनस बाईस और बत्तीस कितना हो गया, देखो दस दिया आंसर, बिल्कुल देगा दस, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप जब वैल्यू निकालना होगा कोई भी एक रो या कॉलम को चूज करके आप काम कर पाएंगे, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, ओके। तो देखो क्या थ्री का क्या आंसर दिया है, कितना कितना चैप्टर कितना है, 4.4 4.4 का थ्री सेवन नंबर दिया है, सेवन दिया है। क्या है इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल टू, वैल्यू निकालना था ना, क्या है बोला तो 5 3 8 2 0 1 1 2 3। माइनस चेक कर लो एक बार, माइनस टू सही है, फिर इसका 3 2 6, अरे यहाँ पे मिस्टेक की है ना, 3 2 6 और 1 5 ना आएगा, क्या आएगा 5, इसको 5 कर लो। और देखो ये लास्ट वाले का तो 2 2 4, ये तो सही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव ना, माइनस फाइव कर दीजिए, ठीक है, बाकी तो सही है। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा तुम्हारा माइनस फाइव, तो कितना आ जा रहा है, तो माइनस दस और माइनस पंद्रह माइनस पच्चीस और बत्तीस कितना हो गया, सेवन स्क्वायर यूनिट, ठीक है, सेवन होगा सिर्फ, बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो अब देखो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में आसानी से बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया माइनर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, माने पूरा जो मैथमेटिक्स का निचोड़ है हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, समझे। तो इसलिए ये आपका जा रहा है उस तरफ, तो आप वहाँ पर इस सबको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत सिंपल है। और जो एम सी क्यू एग्ज़ाम अभी होगा आपको, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम आएगा, ठीक है, तो उसमें ना इस तरह का ज़्यादा माइनर को फैक्टर ज़्यादा पूछता है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको कर लो।